लिंग अदवातुल इस्तिफ़हाम, अदवातुल इस्तिफ़हाम, अदवातुल इस्तिफ़हाम, यानी इसको आप कह सकते हैं कि वो अल्फाज जिनके ज़रिए से हम सवाल करते हैं, पूछते हैं, वो अल्फाज जिनका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, सवाल करने में, पूछने में। जैसे मिसाल के तौर पे माँ है और माजा है, माँ और माजा, ठीक है, इसका इस्तेमाल कीजिए। जी बोलिए, माँ का इस्तेमाल, माँ मीन्स क्या, हाँ बताइए, जुमला में इस्तेमाल कीजिए, सेंटेंस मस्मोका, मस्मोका तुम्हारा नाम क्या, मस्मोका, माँ मीन्स क्या, माँ मीन्स क्या वाट के माने में होता है, और इस्म नेम और क तुम्हारा, माँ इस्मो क, माँ इस्मो का क्या है तुम्हारा नाम, माँ इस्मो का असल में है, जब मिला के पढ़ते हैं तो मस्मुख, 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 माँ एक लफ्ज है, इस्म दूसरा लफ्ज है, ठीक है, और क जो है ना ये तीसरा लफ्ज है, तीनों मिलके क्या हुआ, मस्मुख, तुम्हारा नाम क्या है, मस्मुख, तुम्हारा नाम क्या है, मस्मुख। और कोई दूसरा इस जुमला इस्तेमाल कीजिए, व्हाट इज दिस, माँ हाजा, माँ हाजा ये क्या है, व्हाट इज दिस, माँ हाजा ये क्या है, माँ हाजा ये क्या है, और आप माँ जिन सी ये तो का, माँ जिनसी ये तो का, माँ जिनसी ये तो का क्या होगा इसका तर्जमा, तुम्हारी नेशनलिटी क्या है, माँ जिनसी ये तो का, माँ जिनसी ये तो का तुम्हारी नेशनलिटी क्या है, माँ मेहनतों का, माँ मेहनतों का तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, माँ मेहनतों का तुम्हारा प्रोफेशन क्या, ठीक है, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, माँ माँ अलल, माँ अलल मकतब, माँ अलल मकतब क्या है टेबल पर, माँ अलल मकतब क्या है टेबल पर, माँ मतलब क्या, अला मीन्स पर, और मकतब टेबल को भी कहते हैं, माँ अलल मकतब क्या है टेबल पर, माँ अलल मकतब क्या है टेबल पर। माजा को ले लेते हैं, जैसे माजा, माजा माँ और माजा दोनों सेम होता है, माँ और माजा दोनों का मतलब क्या, तो कहेंगे जैसे माजा तुरीद, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो, माजा तुरीदो तुम क्या चाहते हो, माजा ताकुलो तुम क्या खाते हो, माजा तशरबो तुम क्या पीते हो, माजा ततफक्कर तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है, माजा तो साफ करो, बता बता बोल जी, ऐसे ही करेंगे, जैसे कहेंगे क्या किया, माजा फ़अलता तूने क्या किया, माजा फ़अलता तूने क्या किया, माजा ताकुलो तुम क्या खाते हो, कुछ कुछ हुआ है, पूछना है, माजा हदस, माजा हदस क्या हुआ, माजा व्हाट हैपेंड क्या हुआ, माजा हदस, माजा हदस, तो माँ और माजा का इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं। तुमने क्या पढ़ा, माजा इंदक, माजा इंदक तुम्हारे पास क्या है, माजा इंदक तुम्हारे पास क्या है, तूने क्या पढ़ा, माजा कराता, माजा कराता तूने क्या पढ़ा, माजा कराता तूने क्या पढ़ा, हो गया, जा सकते, माजा माजा कहेंगे, माँ कराता अगर कहेंगे तो इसमें दो माना आता है उसका, कंफ्यूज हो जाएगा सामने वाले, इसलिए माँ के बजाय माजा लगाएंगे तो क्लियर रहेगा, इसलिए कि माँ का एक माना नहीं भी होता, माँ का एक माना नहीं भी होता, जैसे है
मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सुरा रहम है मा अगना नहीं काम आया अनहु मालुहु उसका मान व मा कसब और जो उसने कमाया तो मा का कई माना होता है उसमें से एक माना नहीं भी होता अगर हम कहेंगे मा पढ़ा था तो होगा तुमने नहीं पढ़ा इसलिए मादा बोलेंगे तो वाक्य के माने बोलते मादा पढ़ा था तूने क्या पढ़ा तूने क्या खरीदा माजा इश्तराई था माजा इश्तराई था तूने क्या खरीदा माजा इश्तराई था तूने क्या खरीदा ठीक है तूने हाँ माजा कुल तूने क्या कहा माजा कुल था तूने क्या कहा माजा कुल था माजा इश्तराई था तूने क्या खरीदा माजा कुल था तूने क्या कहा ठीक है माजा राई था माजा राई था तूने क्या देखा माजा राई था तूने क्या देखा ठीक है माजा राई था तूने क्या देखा माजा तक से दो माजा तक से दो हाँ माजा तक से दो व्हाट यू मीन माजा माजा तक से दो हाँ ये भी होता है माजा तानी माजा तानी बसुमीन हाँ वगैरह वगैरह तो ये माँ और माजा का इस्तेमाल हुआ ठीक है माँ और माजा का इस्तेमाल आप क्या चाहते हैं माजा तुरी दो आया ना उस पे ना माजा तुरी दो तुरी दो परिधान आता है या सम्य सम्य आता है माजा तुरी दो अरादा युरी दो का मतलब होता है चाहना इरादा करना माजा तुरी दो माजा तुरी दो हाँ सही माजा तुरी दो अंतर सही चलेगा उसके बाद एक दूसरा लफ्ज लेते हैं ले माजा क्या है ले माजा ले माजा लिमाजा लिमाजा मतलब क्यों भाई लिमाजा मतलब क्यों भाई लिमाजा बनाइए जुमला बनाइए इससे लिमाजा फअलता हाजा तूने ये क्यों किया लिमाजा फअलता हाजा तूने ये क्यों किया लिमाजा मतलब क्यों फअलता तूने किया और हाजा ये लिमाजा फअलता हाजा तूने ये क्यों किया है ना लिमाजा फअलता हाजा तूने ये क्यों किया लिमाजा अकलता हाजा तूने ये क्यों खाया लिमाजा शरीकता हाजा तूने ये क्यों पिया लिमाजा लबिस्ता हाजा तूने ये क्यों पहना तो लिमाजा मीन्स क्यों लिमाजा मीन्स क्यों लिमाजा नदरसो अल अरबिया हम अरबी क्यों पढ़ रहे हैं लिमाजा नदरसो अल अरबिया हम अरबी क्यों पढ़ रहे हैं लिमाजा क्यों नदरसो हम पढ़ते हैं पढ़ रहे हैं अरबिया हाँ लिमाजा नदरसो लिमाजा ज़हबता तुम यहाँ क्यों हो लिमाज़ा अंता होना फजर शेख शेख रामी ठीक है लिमाज़ा अंता होना आप यहाँ क्यों हैं लिमाज़ा अंता होना आप यहाँ क्यों हैं और बताइए लिमाज़ा इश्तरेता लिमाज़ा इश्तरेता तुमने क्यों खरीदा तुमने क्यों खरीदा चलिए दूसरा लेते हैं ज़्यादा टाइम जाएगा तो माँ और माजा मीन्स क्या और लिमाजा मीन्स क्यों लिमाजा के इस्तेमाल ऐसे करेंगे उसके बाद एक और लेते हैं मन 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 मतलब कौन मन मतलब हु कौन
मन, इसका इस्तेमाल बहुत आसान है, मन अंतर, तुम कौन हो, मन अंतर, तुम कौन हो, मन है या ये कौन है, वो कौन है, मन होगा वो कौन है, मन अंतर तू कौन है ना। मन और माँ में क्या फर्क हुआ, माँ और मन में क्या फर्क हुआ, माँ मतलब क्या, मन मतलब कौन। माँ गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है और मन आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, मन आकिल के लिए, इंसान के लिए, इंसान के अलावा जो भी है उसके लिए माँ। जैसे कोई जानवर है कहेंगे क्या कहेंगे, ये कौन है या ये क्या है, कोई जानवर है तो कहेंगे माँ हाजा ये क्या है, जानवर गैर आकिल है, ठीक है, मोबाइल है कहेंगे माँ हाजा, कुर्सी है माँ हाजा, जो गैर आकिल है उसके लिए माँ इस्तेमाल करेंगे। अयो आएगा तो उसके लिए कौन सा कहेंगे, विच, तो उसके लिए अयो आएगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माँ और मन के बारे में, तो मन और माँ में फर्क क्या, मन के जरिए हम सवाल करेंगे किससे, आकिल के बारे में, और माँ के जरिए सवाल करेंगे गैर आकिल के बारे में, ठीक है। और मन दखल, कौन दाखिल हुआ, मन दखल कौन दाखिल हुआ, दखल तो मैं दाखिल हुआ। और लिमाजा क्यों इस्तेमाल होता है, लिमाजा सबक पूछते हैं उसमें, वजह पूछते हैं, सबक पूछते हैं, लिमाजा क्यों सबक पूछते हैं। यहाँ पे हम मन में है, मन अंतर है ना, मन अंतर तो कौन है, मन मन فتح الباب, من فتح الباب, من فتح الباب किसने दरवाजा खोला, من فتح الباب किसने दरवाजा खोला। तो मन का मतलब कौन, किस, सऊदी लोग अरबी लोग मिन मिन बोलते हैं, मिन मन के लिए वो यूज करते हैं मिन, हालांकि मन होता है, मिन मतलब फ्रॉम हो जाता है, से मिन मतलब से और मन मतलब कौन, लेकिन वो लोग जो है ना मिन बोलते हैं, असल में लफ्ज क्या मन, होना को भी बोलो हिना बोलते हैं, असल में होना है उसको हिना बोलते हैं। मन फतह अलबाब, इसने खोला दरवाजा, मन मन फहला हाजा, इसने किया ये, मन फहला हाजा, इसने किया ये, मन फहला हाजा, इसने किया ये, मन दहब, मन फराजा मिन अलबैत, मन खराजा मिन अलबैत, कौन निकला घर से, मन खराजा मिन अलबैत, कौन निकला घर से, कोई फोन कर रहा है तो उससे पूछ सकते हैं मन अंतर, आपका इज्जत के साथ, हाँ मन अंतर, अगर रिस्पेक्ट हो गया मन अंतुम, हाँ सीनियर, कोई सीनियर तो मन अंतुम, मम माया मेरे साथ कौन है, मम माया आमतौर से अरबी लोग जो है ना पूछते हैं फोन वो फोन पे, हम माई यानी मेरे साथ कौन, कौन बात कर रहा है, हम माई मेरे साथ कौन है, हम माई, हाँ मन मतलब कौन और माई मतलब मेरे साथ, मन मतलब कौन होता है और मा मतलब साथ होता है, मा मीम एन मा मतलब साथ, कोई इसमें या बढ़ा देंगे तो मेरे साथ, माई मेरे साथ, माई मेरे साथ, फायदा मेरे के लिए या बढ़ाते हैं मेरे साथ, तुम्हारे साथ माँ में कौ बढ़ा देंगे, माँ का तुम्हारे साथ, माँ का तुम्हारे साथ, माँ की और माँ उसके साथ, हाँ जैसे कहेंगे मन माँ का तुम्हारे साथ कौन है, मन माँ का तुम्हारे साथ कौन है, हाँ मन माँ का तुम्हारे साथ कौन है। मन मन हजरा अदर्स, मन हजरा दर्स, हाँ दर्स में कौन हाजिर हुआ, मन हजरा दर्स, तो मन मतलब कौन, मन मतलब कौन। तो हमने कितना लिया है, माँ और माजा और उसके बाद दिमाजा और उसके बाद मन, और भी हैं लेकिन आज वक्त हो गया है, इसी पे हम आज का दर्स खत्म करते हैं इंशाल्लाह, बाकी जो है आइंदा हफ्ते लेंगे, है ना, कब कहाँ कौन सा है ना, ये सब जो है ना कैसे कैफा कैसा ये सब इंशाल्लाह हम बात में लेंगे, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और कोई सवाल, वालेकुम अस्सलाम।